नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज बबीता, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और जब ऐसे में बारिश हो जाए और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ दो तरह के पकौड़े की रेसिपी जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि इसे मैंने क्रिस्पी कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, पहले पकौड़े की जो रेसिपी है उसे मैंने कैसे बनाया है और किन किन चीज़ों से बनाया है उसे चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमने एक कप मसूर की दाल को धुल करके भींगा लिया था और ये भींग चुका है अच्छे से। यहाँ एक आलू को हमने छील लिया है और चार प्याज को, चार पांच हरी मिर्च है, मेथी का अपने स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं। इस मेजरिंग कप से हमने दाल को भींगाया था, आप किसी भी कप से इसे भींगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो मसूर की दाल थी उसे अच्छे से दरदरा पेस्ट बना लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसना है इसे, इसे दरदरा ही पीसना है हमें। यहाँ हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें हम जो पेस्ट बना करके रखे थे दाल से उसे डालेंगे। इस दाल के पकौड़े की खासियत ये है कि ये गर्मा गर्म तो क्रिस्पी लगता है लेकिन ये ठंडा होने के बाद भी उतना ही क्रिस्पी रहता है, तो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा अपने घर में। अब इसमें हम जो ग्रेट करके आलू रखे थे उसे भी डाल लेंगे। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो एक आलू और काट सकते हैं, हम यहीं पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहीं हमने हरी मिर्च को भी डाल लिया है इसमें और प्याज को भी डाल लिया है, बारीक धनिया कटा हुआ भी इसमें डाल लेंगे हम। अगर आप धनिया नहीं डालते हैं तो कड़ी पत्ता को भी बारीक कट के डाल सकते हैं आप। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे, जीरा से अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। और सबको अच्छे से हम मिक्स करके पकौड़े के बैटर को तैयार करेंगे। तो चलिए हम पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है और यहाँ हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तो आइए हम तेल देख लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम एक एक करके पकौड़ों को डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है ताकि पकौड़े क्रिस्पी बने। यहाँ हमें पकौड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तेल के हिसाब से हमें पकौड़ों को डालना है। तो हमने यहाँ पर 8 से 10 पकौड़े डाले हैं ताकि हमारे पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी बन सकें। देखिए फ्रेंड, देखने में कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। अब इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से हमें जब इसे उलट पलट के बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। यहाँ हमारा पकौड़ा फ्राई होकर के तैयार हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम एक छन्नी में निकालेंगे ताकि सारा तेल हमारे कढ़ाई में वापस चला जाए। अब ये हम सारे पकौड़ों को एक नैपकिन पेपर पर रखेंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है तो आप आसानी से ऐसे भी रख सकते हैं, बिना नैपकिन पेपर के भी रख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा मेरा पकौड़ा बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे सारे पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम दूसरे पकौड़े को बना लेते हैं। अब यहाँ हम आलू के पकौड़े बनाएंगे।
तो इसके लिए हमने 3-4 मिर्ची काट लिए हैं और 4 प्याज, थोड़ा धनिया का पत्ता और 3 आलू को हमने छील करके अच्छे से धो लिया है। अब इसके हम पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है। फ्रेंड्स, ये पकौड़े बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये फटाफट बन जाते हैं। और देखिए, इस तरह से हमें पतला काटना है। तो इसी तरह से हम सारे आलू को काट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ हम सारे आलू प्याज को काट करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है और यहाँ हम मेजरिंग कप से 1 कप बेसन डालेंगे। आप किसी चीज़ से भी मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1/2 कप चावल का आटा लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चाहे तो 10 मिनट के लिए गर्म पानी में चावल डाल सकते हैं और वो तुरंत पिस जाएगा अच्छे से। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और तीखा के लिए हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अजवाइन मंगरेल। अगर आप चाहें तो मंगरेल ना भी डालें, इसे बहुत लोग कलौंजी भी बोलते हैं। यहीं पर हम थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालेंगे और 1 टेबल स्पून गरम तेल डालेंगे। तेल से हमारा पकौड़ा बहुत सॉफ्ट क्रिस्पी बनता है। अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और डाल के इनका अच्छा सा एक बैटर तैयार करेंगे। हमें थोड़ा थिक बैटर ही तैयार करना है, इसका बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है। एक संग हमें पानी नहीं डालना है। ये अच्छा सा बैटर बनकर के तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। अब इस बैटर में हम जो मिर्ची प्याज कट कर रखे थे उसे डालेंगे। तो अब हम मिर्ची प्याज हरा धनिया सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम कटे हुए आलू को भी इसमें डालेंगे। अब यहाँ हमारा पकौड़े का बैटर तैयार हो गया है। अब हम पकौड़े को तलना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तेल में हम फिर से इसे गर्म करेंगे और तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम एक एक करके आलू और प्याज के पकौड़े को बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं आलू और प्याज के साथ। तो इसे भी हमें जल्दी जल्दी ही उलट पुलट करके पकाना है ताकि बहुत अच्छा क्रिस्पी बने। अब हम पकौड़ों को पलट लेंगे और दोनों तरफ से उलट पलट के हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। पकौड़े हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। निकाल करके हम एक छन्नी में ही डालेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में आ जाए। और इन्हें भी हम टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो भी होगा वो टिश्यू पेपर हमारा अब्सॉर्ब कर लेगा। अब बाकी बचे पकौड़ों को भी हम इसी तरह से छान लेंगे।
दूसरे बैच के भी पकौड़े तल करके तैयार हो गए हैं। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और उतना ही क्रिस्पी भी है ये। यहाँ हमारे आलू के पकौड़े और मसूर दाल के पकौड़े बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने दोनों पकौड़ों को प्लेटिंग करके तैयार कर लिया है। इसे खाने के लिए हमने हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी को तैयार किया है। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके हमारे लिंक से चेक कर लें। आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे पकौड़े की वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपको नए नए वीडियो जब भी अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।